नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जबरदस्त तरीके की चर्चा हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने एक ही चैनल पर बैक टू बैक 5 गाने ट्रेंडिंग में दिया है छठ पूजा का, उसके बाद खेसारी फैंस का और भी उत्साह बढ़ गया है और खेसारी फैंस जो है वो जमकर खेसारी लाल यादव की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और बैक टू बैक कई सारे और भी गाने खेसारी लाल यादव लेकर आने वाले हैं। इस कड़ी में आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव का एक और गाना जो है वो ट्रेंडिंग सेक्शन नंबर 1 में तबाही मचा रहा है, जिस गाने का नाम है तबला। इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव के दबंग राइटर कहे जाने वाले अखिलेश कश्यप ने भी बड़े बड़े धमाके करने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरें जिस तरीके से साझा कर रहे हैं उसको लेकर खेसारी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है। दरअसल बात करें तो अखिलेश कश्यप जो है वो एक तस्वीर साझा किए हुए हैं और खेसारी लाल यादव के साथ तस्वीर साझा किए हैं यामिनी सिंह के साथ, और इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखते हैं कि आवता टेंशन नहीं खेलेवे के हर हर महादेव। यानी कि खेसारी लाल यादव का एक बड़ा गाना जो है वो कहीं ना कहीं आने वाला है। इस कड़ी में एक और तस्वीर उन्होंने साझा किया है जो चर्चा का विषय बन गया है, और वजह यह है कि आपको पता होगा कि गांधी जी के 3 बंदर थे जो कि बुरा ना बोलो मुंह पे हाथ लगाए हुए थे, बुरा ना सुनो कान को तोपे हुए थे, तो वहीं बुरा ना देखो आंख को तोपे हुए थे। और इसी आधार पर अखिलेश कश्यप जो खेसारी के राइटर हैं उन्होंने एक तस्वीर साझा किया है जिसमें खुद वो आंख मुक्ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो हीरोइन है वो कान मुक्ते नजर आ रही हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव के एक टीम मेंबर के सदस्य हैं वो मुंह मुक्ते नजर आ रहे हैं। तो और इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना बोलो बुरा ना सुनो बुरा ना देखो। और मुझे लगता है कि यह तस्वीर इसलिए साझा किया है क्योंकि खेसारी लाल यादव दरअसल हमेशा विवाद में रहते हैं और उनकी चर्चा लगातार विवादित बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं तमाम लोग खेसारी लाल यादव को लेकर भली भांति बुरी चीजें भी कहते हैं, उसको लेकर बुरा ना बोलो बुरा ना सुनो और उस चीज को ना देखो, इस तरीके का उन्होंने एक संदेश दिया है। और कई लोगों का ये कहना है कि खेसारी लाल यादव के ये 3 बंदर हैं, तो वहीं ये भी कहना है कि बीच में आखिरकार जो हीरोइन है वो बंदरिया कहां से घुसा। तमाम तरीके के फनी कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी कमेंट्स कर रहे हैं, तो एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आप सभी को इस पर जानकारी देनी चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।